नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैरिज मैरिज लाइफ के बारे में कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, आफ्टर मैरिज मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, यही प्रश्न हमारे रहते हैं। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद संतान के विषय में चिंता रहती है कि संतान होगी या नहीं होगी। तो ये सारी समस्याएं जीवन में आए नहीं, या अगर कुंडली के अंदर इस प्रकार के दोष बने हुए हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अगर आप समय रहते चीजों को समझ लेते हैं और उसके लिए क्या रेमेडी कैसे करनी है इस बात को तय कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैरिड लाइफ आदमी के जीवन का, किसी के भी जीवन का एक लंबा पीरियड, क्योंकि जनरली हमारी जो शादी है वो 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में हो जाती है, और उसके बाद लगभग 50 साल का जो समय है वो आपकी मैरिड लाइफ में व्यतीत होता है। अगर मैरिड लाइफ हैप्पीली है तो जीवन में किसी प्रकार के छोटे बड़े कष्ट आते रहें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उसको फेस कर लेते हैं। मगर अगर आपस में पति पत्नी के ही संबंध मधुर नहीं है तो यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ा ही रूप ले लेती हैं या बड़ी दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर बात करेंगे क्या विवाह कब होगा, कहाँ होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, गुस्से वाला होगा, शांत स्वभाव का होगा, विवाह के लिए उपाय कब करने हैं, स्त्री रक्षा के उपाय। अब स्त्री रक्षा के उपाय मतलब शादी के बाद कई बार आपने देखा है कि लड़की पहले सोचती आफ्टर मैरिज बीमार रहती है, और उसके बाद कई बार ये भी होता है कि तलाक इत्यादि की स्थिति के योग कुंडली बने होते हैं लड़के के। क्योंकि एक बात को आप समझ लीजिए कि लड़का लड़की के चार्ट में जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लड़के का चार्ट जो है, कुंडली जो है, वो 80% रोल अपना प्ले करती है। तो अगर लड़के का चार्ट में कोई समस्या है तो उसको समय रहते ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ठीक किया जा सकता है। इसके लिए परफेक्ट रेमेडीज बताई गई हैं, वो पिछले हमने काफी वीडियोस में इन सब रेमेडीज के बारे में बात करी। तो यहाँ पर स्त्री रक्षा, अब कई बार लड़के की कुंडली में ऐसा योग होता है कि एक से ज्यादा विवाह के योग, और उस एक से ज्यादा विवाह में कई बार ये भी है कि पत्नी पे पत्नी मरती जाए, इस तरह के योग के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो इस तरह के योग अगर कुंडली बने हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उस योग को समय रहते समझ के उसको ठीक करना चाहिए, ये सारी बातें अगर आप समझ लेते हैं तो जीवन को सरल तरीके से चला सकते हैं। अदरवाइज जब ये चीजें घटित होती हैं तो लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। जो हस्बैंड वाइफ है उनके तो होती होती है, बाकी पूरे परिवार को भी इन समस्याओं के वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, कोर्ट कचहरी ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा लड़का लड़की दोनों अपने ससुराल पक्ष के लिए क्या भाग्यशाली हैं, कई बार ऐसे योग कुंडली में होते हैं कि लड़का या लड़की जिसके भी योग हो उसकी शादी के बाद ससुराल वाले तरक्की व तरक्की करते चले जाते हैं, मगर इस बात का हमें पता ही नहीं होता। और जब हम पूछते हैं उनसे कि आपकी आफ्टर मैरिज ससुराल ने राइज किया, देन वो कहते हैं यस किया। किसी से पूछते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके ससुराल में कोई कष्ट आया था क्या, या एंगेजमेंट के दिन में, या शादी के दिन में, या ससुर को, तो वो ये कहते हैं यस। तो इस बात से आप समझिए कि यहाँ पर लड़का लड़की ससुराल पक्ष के लिए भाग्यशाली है नहीं है, तो केवल उन दोनों की बात नहीं है, पूरे परिवार पर एक विवाह होने से किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, इन बात को समझना भी जरूरी होता है। हम करते क्या हैं, हम जनरली सामान्यतः गुण मिलान करते हैं, 18 में से और 36 में से 18 या उससे अधिक गुण मिल गए तो विवाह कर देते हैं, या कई बार विवाह में डिले हो रहा होता है तो जल्दबाजी में ये तय कर लेते हैं कि 18 गुण मिल रहे हैं या 19-20 भी मिल रहे हैं तो कर दीजिए। मगर ऐसे मैंने सैकड़ों शादी देखी है जिनके 36 में से 30-32 गुण भी मिलते थे, मगर शादी के 6-7 महीने के अंदर ही उनके तलाक हो गए। अब ये क्यों हो गया अगर गुण 30-32 मिले थे तो? इस बात के लिए आपको प्रॉपर दोनों लड़का लड़की के चार्ट को मैच करना होगा, उसमें अशुभ योग जो बने हुए हैं कुछ की बात हम पहले कर चुके हैं, तो उन सबको आपने चेक करना हैगा कि इस तरह के अगर अशुभ योग हैं। अब कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि लड़का लड़की की शादी कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, चलो ठीक है आपने देखा अशुभ योग है, मना कर दिया, मगर कई बार आजकल तो 80%
लव मैरिज देखने को मिल रही है। अब लव मैरिज के भी योग होते हैं, उसकी बात भी हम आगे करेंगे कि लव मैरिज कब होगी, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि आपका बच्चा लव मैरिज करेगा या अरेंज करेगा। मगर अगर लव मैरिज हो भी रही है तो उसमें बुराई नहीं है, सिर्फ जिससे भी शादी की जा रही है उसके कुंडली को जरूर चेक कर लें। अब लव मैरिज में कुंडली के मिलान को मना किया गया है, मगर मिलान करना जरूरी होता है। मना क्यों किया गया है कि अगर कोई अशुभ योग होगा तो मन में बहम आ जाएगा, दिमाग में बिना बात का बहम जो है लाइफ में परेशान रखेगा। मगर अगर इस तरह का योग है तो उसका उपाय करके शादी के समय पर जो उपाय किया जाते हैं वो ज्यादा प्रभावकारी होते हैं, हालांकि बाद भी करा सकते हैं। तो उपाय करके आप निश्चित तौर पर उन अशुभ योग को समय रहते ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आगे सभी प्रकार से चीजों को ठीक से रखा जा सके। इसके साथ ही स्त्री रक्षा के उपाय, विवाह के लिए उपाय, स्त्री रक्षा के लिए उपाय, विवाह के लिए उपाय कब करने हैं इस बात को समझिएगा। उपाय दो तरीके के होते हैं, एक है कि आपकी कुंडली में योग नहीं बन रहा है तब कौन सी रेमेडी की जाए, एक हो रहा है कि इस साल आपका प्रबल योग बना हुआ है। अब आज जो हम बात करेंगे कि आप बड़े इजिली ये चेक कर पाएंगे कि किस वर्ष बच्ची के विवाह का योग बन रहा है, लड़का हो या लड़की हो, तो उस वर्ष वो उपाय कराने से वो योग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा और निश्चित तौर पर विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद पत्नी बीमार रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होगी, और साथ ही संतान प्राप्ति, क्योंकि जब शादी हो जाती है उसके बाद चिंता हो जाती है कि 4 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक विषय है। डॉक्टरों के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है हॉरोस्कोप में, एक सरल सी रेमेडी कर ली जो आपको बताया गया, तो उसको अगर समझ लिया कि यहाँ पर बच्चा प्राप्ति के या बच्चा गोद लेने के योग हैं, तो ऐसे में उस योग के लिए क्या उपाय करने हैं, वो उपाय जब तक नहीं करेंगे तो दुनिया भर के ट्रीटमेंट करा लेंगे तब भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर बच्चा हो भी गया तो बच्चे के कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेंगे, यानी कि वो बच्चा जो है सुख नहीं देगा, किसी न किसी कारण से जीवन में दुख का कारण बना रहेगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप चेक करें कि किस वर्ष प्लैनेट की कौन सी स्थिति विवाह के योग का निर्माण करेगी, और बड़े सरल तरीके से आप समझेंगे और इस चीज को जब आप नोट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला रूल, शुक्र, शुक्र कुंडली के एक, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरह 1 से लेकर 12 तक हमारे हाउसेस हैं, ये आप सभी को पता है। शुक्र जो है कुंडली के फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में, या बुध, बुध फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, बुध 12th हाउस को काउंट नहीं करेंगे, इन हाउसेस में आए, शुक्र आए या बुध आए। इसके अलावा इनको शनि की सहायता मिले, अब शनि की सहायता 10th हाउस या फर्स्ट हाउस में शनि हो, अगर ये योग कुंडली में बन रहा है, अब ये योग कब बनेगा, वर्षफल में, तो जिस साल ये योग बन रहा है उस साल विवाह के प्रबल संभावना है, या आप ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर विवाह होता है। अब अगर आपको इनमें से पहली, ये तीन कंडीशन थी, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन पूरी होती दिखाई दे रही है मगर शनि फर्स्ट या 10th हाउस में नहीं है, तब क्या करना है, तब आपको एक रेमेडी करनी है जो रेमेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये रेमेडी करने से निश्चित तौर पर विवाह का योग बनेगा। क्या? बादाम, नारियल, बादाम, एक मुट्ठी बादाम ले लें साबुत, नारियल जटा वाला, इसके अलावा मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन, उसमें जैसे कोई दिया है इस टाइप का ले लें, उसमें घी डाल लें गाय का, साबुत हरी मूंग ले लें एक मुट्ठी, इन सभी चीजों को हरे कपड़े में बांधकर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में, घर के अंदर भी आप ये जगह हो सकती है या घर के बाहर भी हो सकती है, वेस्ट डायरेक्शन में गड्ढा खोद के दबा दें और उसमें 43 दिन लगातार पानी दें। अब अगर घर में या घर के बाहर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो यहां पर आप बबूल या कीकर, बबूल या कीकर का पेड़ का भी चुनाव कर सकते हैं, बबूल या कीकर का पेड़, उसके नीचे इस सामग्री को दबा दें और 43 दिन लगातार पानी दें। यहां पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बबूल या कीकर का पेड़ जो है वो किसी वीरान जगह या शमशान भूमि में हो और 43 दिन लगातार पानी दें। घर के अंदर या घर के बाहर
अगर आप दबाते हैं तो वहां पर किसी का पैर इत्यादि ना पड़े। 43 दिन लगातार पानी देने के बाद चाहे तो बबूल या किगर के पेड़ के नीचे या घर के अंदर जैसे भी, 43 दिन लगातार पानी देने के बाद आपने बबूल या किगर के पेड़ के नीचे अगर दबाते हैं कहीं वीरान जगह में, तो उसके बाद भी कभी कभी आप हफ्ते में एक बार वहां पानी देते रहेंगे तो उससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। बुध या शुक्र सेवेंथ हाउस में बुध या शुक्र दोनों में से कोई भी आ जाए और शनि भी उस साल फर्स्ट हाउस में या टेंथ हाउस में हो, तो ऐसे में विवाह का प्रबल योग बनता है। इसके अलावा कुंडली में बुध या शुक्र जहां बैठे हैं, लगन कुंडली में बुध या शुक्र जहां बैठे हैं, वर्ष फल में दोबारा उसी भाव में आ जाएं, उस साल विवाह का योग बनेगा। इसके अलावा शनि अकेला लगन में बैठा हो, वर्ष फल में उस साल विवाह का योग बनेगा। दूसरा, लगन कुंडली में 2 और 7 यानी कि लगन कुंडली में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस खाली हो, वर्ष फल में सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में बृहस्पति या शुक्र दोनों में से कोई भी आ जाए तो इस साल विवाह का योग बनेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव में अगर लड़की की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव हैं, तो ऐसे बच्चे का विवाह सामान्यतः जल्दी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो योग हैं इनसे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि विवाह की स्थिति कब बन रही है। इसके साथ ही अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज की, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे विवाह का योग प्रबल बन जाए और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाए। अब विवाह में जैसे कि आपको बताया कि अगर बाधा आ रही है तो उसके पीछे कुंडली के अंदर एक तो मंगल अवश्य ही खराब होता है, क्योंकि मंगल जब खराब होगा तो मांगलिक कार्य नहीं होने देगा। शुक्र भी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित अवश्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य है मंगल का उपाय करना। मंगल कुंडली में कहीं भी हो उसको देख लें। उसके हर हाउसेस के बारे में हमने बात करी है, साथ ही मंगल पद के टॉपिक में भी आपको उपाय बताए हैं कि मंगल जब खराब होता है तो जातक का स्वभाव गुस्से वाला कर देता है। ये खराब मंगल के लक्षण है। जितना खराब होगा, कई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और कई चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा मन उनका परेशान रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तो मंगल खराब के लक्षण है। तो मंगल खराब के लक्षणों को चेक करें, उसका उपाय करें। इसके अलावा आप मंगल को ठीक करने के लिए पक्षियों को डेली मीठा दे सकते हैं, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रख सकते हैं, लड़की अपने पर्स में रख सकती हैं, और डॉग्स को मीठी रोटी खिलाने से भी मंगल आपका ठीक होता चला जाएगा। ये सामान्य उपाय आप कर सकते हैं और काफी ज्यादा ये परफेक्टली काम करेंगे। जब आप ये उपाय किसी से कराएंगे जिसको गुस्सा आता है, तो कुछ ही दिनों में उसका गुस्से का लेवल आपको कम होता दिखाई देगा। दूसरा, 43 दिन लगातार, अब अगर ये योग आ रहे हैं ये योग नहीं आ रहे हैं, गाय को हरा चारा खिलाना 43 दिन लगातार बहुत अच्छी रेमेडी है। बुध हरा चारा, गाय शुक्र, बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन से एक दूसरे को सपोर्ट मिल गया और जैसे ही सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर योग बनता दिखाई देगा। दूसरा, 43 दिन लगातार किसी काली गाय को उबले हुए आलू दही के साथ मिलाकर खिलाना, तो यहाँ पर 2 किलो आलू लेने हैं जिसको उसमें कम से कम आपने 200-400 ग्राम दही मिला के काली गाय को खिलाएंगे, और काली गाय को जब खिलाएं 2 मिनट उसके पास खड़े होकर उसको प्यार करें, सहलाएं, ये आपको काफी ज्यादा आराम देगा, विवाह के योग भी बनाएगा, साथ ही आपके धन के संबंध में भी शुभ परिणाम देगा। चने की दाल पीले कपड़े में लपेटकर बृहस्पतिवार को मंदिर में दें, ऐसा लगातार करें, ये काफी आपको लाभ देगा। 7 सोमवार शिवलिंग पर दूध पानी चढ़ाकर 7 बार मोली लपेटें, मोली आपको पता ही है लाल रंग का कलावा जो होता है। 7वें घर में सूर्य हो, अब 7वें घर में जब सूर्य बैठा होता है तो ऐसे में शुक्र को पीड़ित करता है, शुक्र कुंडली में कहीं भी हो जब पीड़ित होगा तो विवाह में डिले करेगा, और सूर्य के साथ युति बना के या राहु के साथ युति बनाकर जब भी पीड़ित होकर विवाह में डिले करेगा। अगर इस कारण से विवाह में डिले हो रहा है तो क्या करना है, अगर 7वें घर में सूर्य है तब
सूरजमुखी का पौधा घर में लगाकर उसमें रोजाना नियमित रूप से पानी देना काफी ज्यादा लाभ देगा। सातवें घर के सूर्य के फलों को ठीक करेगा। इसके अलावा सूर्य शुक्र या शुक्र राहु की युति हो तब ऐसे में 7 शुक्रवार वट वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक करके धूप और दीप जलाकर 7 शुक्रवार लगातार करने से अवश्य ही विवाह के योग बनते हैं। कन्या को वेस्ट डायरेक्शन में सुलाना। अब यहां पर बच्ची का अगर विवाह में डिले हो रहा है तो उसको अपने घर की जो वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में रूम आता है वहां पर सुलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी जल्दी विवाह के योग बनते दिखाई देंगे। तो आज हमने बात करी विवाह के बारे में। अभी इसके और भी काफी सारे पार्ट हैं, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, आगे कभी बात करेंगे। अभी वर्षफल का टॉपिक स्टार्ट करने की सोच रहे थे। अब वर्षफल अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये है कि अगर उसको विस्तार में लेके जाते हैं, जैसा कि क्लासेस में अपनी में कराता हूँ उस हिसाब से, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए कि कुंडली के हमारे कितने प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट। अब हर प्लैनेट का आपको कुंडली के 12 हाउसेस में बताना, तो यहां पर अगर विस्तार से बात की जाए तो एक प्लैनेट एक ही हाउस पर एक वीडियो पूरा ले लेगा। तो ऐसे में हर प्लैनेट के 12 वीडियो हो जाएंगे अलग अलग हाउसेस के हिसाब से। क्योंकि आपको केवल ये नहीं समझना है कि वर्षफल में सपोज कीजिए सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में आया है तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न क्या रिजल्ट देगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि ये अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा, उस साल क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या रेमेडी करनी है। तो उन सारी बातों को जब डिस्कस करेंगे तो वो अकेला सैटर्न फर्स्ट हाउस ही आपके 20-25 मिनट ले लेगा। तो अगर हम एक प्लेनेट के क्या हो गया अगर बात करेंगे तो 12 वीडियो, 9 प्लैनेट कितने हो गए, 108। तो एक वर्षफल वर्षफल जो है 108 वीडियो, 108 वीडियो, यानी कि हम सप्ताह में 2 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने महीने में जाके कंप्लीट होगा। ये बात तय है कि अगर डिटेल में समझ लिया तो आपको दोबारा कभी किसी चीज को, किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तय है। तो ये आप कमेंट्स में बताइए कि किस तरह से करना चाहते हैं। या तो सैटर्न को एक ही बार में कर दें, अगर एक बार में करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट लगेगा, क्योंकि 12 के 12 घर एक ही वीडियो में करना, 30-40 मिनट का वीडियो भी अगर हमने बना लिया तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक या दो वीडियो के बाद इसको स्टार्ट करने के सोच रहे हैं। तो इसी बात को लेके मन में एक संशय हो रहा था कि किस तरह से इसको आपके सामने रखा जाए जिससे कि आपको हर बात समझ में आ जाए और ये देखने के बाद जो आपको टॉपिक कराया जाएगा वर्चुअल का, उसको समझने के बाद आपको दोबारा इस विषय में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।